मम्मी तू बोल नहीं सकती? अच्छा एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना, मेरठ फरीदाबाद। परिवार के लिए अगर किसी की जान भी लेनी पड़े। फाइनली दोस्तों बजरंगी 2 मूवी पर काम शुरू। फिल्म का नाम होगा पवन पुत्र भाईजान। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त हैं। अभी हाल ही में सलमान खान ने अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान के सीक्वल बनाने के बारे में ऐलान किया था। 2015 में आई थी बजरंगी भाईजान ने लोगों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी थी और लोगों से इस फिल्म को भरपूर प्यार मिला था और लोग इसके सीक्वल का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत जल्द बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने जा रहा है और इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। लोगों के बीच बजरंगी भाईजान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। आपको बता दें बजरंगी भाईजान का जो टाइटल है राजा मौली के पिता के बी विजेंद्र प्रसाद ने दिया है और उन्होंने बजरंगी भाईजान 2 का टाइटल पवन पुत्र भाईजान रख दिया है और ये टाइटल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपको बता दें इस फिल्म के राइटर भी विजेंद्र प्रसाद हैं और उन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट को भी लिखा है। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में सलमान खान का रोल पक्का है और फिल्म के मेकर्स ने अभी फिल्म की बाकी कास्टिंग की कोई अपडेट नहीं दी है। और वही बात करें बजरंगी की तो इस फिल्म को कबीर खान के डायरेक्शन में 90 करोड़ रुपये में बनाया गया था और इस फिल्म ने 669 करोड़ की कमाई की थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म की कहानी एक्टिंग कितनी शानदार होगी और इस फिल्म के कई सारे अवार्ड जीते थे इसलिए लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें फिल्म के पहले पार्ट में सलमान खान के साथ करीना कपूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे और वही बात करें सलमान खान की तो अभी सलमान खान के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें उनके पास टाइगर 3, किसी का भाई, किसी की जान, किक 2, ये सारी बड़ी फिल्में उनके पास शामिल है। इसमें दोस्तों आप सब एक बार सलमान खान को बजरंगी भाईजान के रोल में दोबारा देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।